दोस्तों इस वीडियो में हम फैटी लीवर की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वैशाख जाजोदिया एंड वेलकम टू निरामया हेल्थ सेंटर। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। पहले हम ये जान लेते हैं कि फैटी लीवर एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि नाम से ही सजेस्टेड है, फैटी लीवर यानी लीवर में फैट इकट्ठा हो जाना। मेडिकली अगर हम देखें तो अगर लीवर के वेट का 5% या उससे ज़्यादा अगर फैट इकट्ठा हो गया है तो उसको फैटी लीवर बोला जाता है। बेसिकली फैटी लीवर दो तरह का होता है, यानी मेजर जो कॉजेज है उसके अकॉर्डिंग दो तरह का है। एक है अल्कोहलिक फैटी लीवर, एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक यानी जो लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं उनके बॉडी में अगर फैटी लीवर हो जाए तो उसको अल्कोहलिक, एंड उसके अलावा जो भी कारण है फैटी लीवर के अदर देन अल्कोहल उसको नॉन अल्कोहलिक कैटेगरी में रखा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ उठता है कि क्या फैटी लीवर हानिकारक है या नुकसानदायक है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों में फैटी लीवर कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। लगभग 80% लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, लेकिन 15-20% लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे जो जब फैट आपके लीवर में एक्यूमुलेट होता है, यानी लीवर सेल्स में एक्यूमुलेट होता है, उस जगह में ये स्वेलिंग कॉज करता है। फैट लीवर सेल्स में स्वेलिंग कॉज करता है जिसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन को नॉन अल्कोहलिक स्टियोहेपेटाइटिस यानी नैश बोला जाता है। ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम और भी आगे बढ़ सकती है। कुछ परसेंटेज पीपल में जिनको नैश है उनमें ये प्रॉब्लम और आगे बढ़ सकती है, और फिर उनको जहाँ पे वो स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन डेवलप हुआ है उस जगह में उनको स्कारिंग डेवलप हो सकती है। वहाँ का जो एरिया है वो मोटा हो सकता है, और फिर उसको फाइब्रोसिस बोला जाता है, लिवर फाइब्रोसिस। अच्छा, पूरे आपके लीवर में अगर फाइब्रोसिस हो जाए ना, तो या तो आपको लीवर कैंसर हो सकता है या लीवर फेल हो सकता है, जिसको लीवर सिरोसिस बोला जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि फैटी लीवर ज़्यादातर लोगों में तो नुकसानदायक नहीं है, मगर कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में ये फर्दर डेवलप हो सकता है और लीवर फेलियर या लीवर कैंसर तक भी जा सकता है। बिल्कुल। अब हम ये समझते हैं कि कौन लोग ज़्यादा रिस्क पे है या किनको फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अल्कोहल फैटी लीवर जो है, आप समझ ही सकते हैं, जो अल्कोहल ड्रिंकर्स है, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, वो हमेशा इस रिस्क पे बने रहते हैं कि उनको फैटी लीवर हो सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, जो मेजर रीजंस हैं, ओबेसिटी यानी मोटापा। बिल्कुल। अगर आप ओबेस हैं, अगर आपको मोटापा है, तो आपको फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ साथ में अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर नॉर्मल से ज़्यादा बना रहता है, तो आपको फैटी लीवर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। खास करके कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स अगर ज़्यादा हैं तो आप और ज़्यादा रिस्क पे आ जाते हैं। साथ साथ में अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो भी आप रिस्क पे हैं, और अगर आप किसी तरह से आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है तो भी आपको फैटी लीवर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। अब हम दोस्तों इसके सिम्टम्स में आते हैं। जैसा हमने पहले बताया कि ज़्यादातर लोगों में फैटी लीवर कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करता, वैसे ही ज़्यादातर लोगों में फैटी लीवर के कोई सिम्टम्स भी नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फैटी लीवर एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग होता है अल्ट्रासाउंड में। कुछ लोगों को सिम्टम्स डेफिनेटली आ सकते हैं जिनमें फैटी लीवर अगर बढ़ जाता है ना, एडवांस स्टेज में आ जाता है, जहाँ पर लीवर एनलार्ज भी हो सकता है बिकॉज ऑफ फैट एक्युमुलेशन, वहाँ पे सिम्टम्स आ सकते हैं। देखिए, सिम्टम्स में जो सबसे बड़ा मेजर सिम्टम रहता है वो है बहुत जल्दी बहुत थोड़े से काम में ही बहुत ज़्यादा थक जाना, यानी टायर्ड इजीली। आपको समझ नहीं आएगा कि आपने थोड़ा सा ही काम किया और आपको बहुत ज़्यादा थकान होने लग गई, तो ये एक मेजर सिम्टम है। इसके अलावा आप जानते हैं कि लीवर जो होता है हमारे राइट साइड में होता है, अपर साइड में। तो राइट अपर साइड में अगर आपको दर्द या डिस्कम्फर्ट महसूस हो, क्योंकि लीवर आपका बड़ा हो गया है, तो नॉर्मल चीज़ जब कोई बॉडी का कोई ऑर्गेन जब नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है आपको पेन भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, और एक भारीपन वहाँ पे महसूस हो सकता है कि ऐसा लगेगा कि कुछ है यहाँ पे जो हैवीनेस कॉज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ पेट फूलना या खाने के बाद तुरंत बहुत ज़्यादा पेट में गैस बन जाना, नौशिया मिचली आना, उल्टी जैसा लगना या उल्टी भी हो सकती है, साथ साथ में आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डेफिनेटली अगर आपके बॉडी में
ज्यादा फैट एकुमलेट होगा, सॉरी लिवर में ज्यादा फैट एकुमलेट होगा तो आपका डाइजेस्टिव हेल्थ जो है, डाइजेस्टिव इश्यूज आपको डेफिनेटली आएंगे। और चूंकि डाइजेस्टिव इश्यूज हैं ऑलरेडी तो आपको भूख भी कम लगेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों अब हम आते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन में। मेडिसिन में सबसे पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में, ये दवाई आपको तब लेनी है जब आपको फैटी लीवर हो, साथ साथ में पेट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन रहता हो, यानी तुरंत खाने के तुरंत बाद आपको पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ महसूस होता हो, साथ साथ में आपको गर्म खाने की इच्छा होती हो और मीठा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, एसिडिटी आपको रह सकती है, गैस होती है आपको, जो कि आपको नीचे से पास होती है और गैस पास करने से रिलीफ भी होती है, शाम के टाइम में आपको प्रॉब्लम ज्यादा महसूस होती है। बिल्कुल। ऐसे सिम्टम्स जिनको हैं उनको लाइकोपोडियम 30 की दो बूंदें दिन में दो बार सुबह शाम को लेनी है खाने के आधा घंटा पहले, तो उनका फैटी लिवर जो है वो इससे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम दोस्तों लिवर के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है होम्योपैथी में। ये दवाई आपको तब लेनी है जब फैटी लिवर के साथ साथ आपको राइट अपर एब्डोमेन, यानी जो लिवर का एरिया है, इस एरिया में पेन या डिस्कम्फर्ट महसूस हो, साथ साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, स्टूल्स जो हैं वो आपके हार्ड हो सकते हैं, साथ साथ में आपको गरम खाना यानी गरम यानी बहुत ज़्यादा गरम, यानी जस्ट आप जैसे ही खाना पका और आपको मन करता है कि एकदम गरम गरम खाना खा लें, उस सिचुएशन में आपको चेलिडोनियम 30 दो बूंदे दिन में दो बार सुबह और शाम को खाली पेट में लेनी है। बिल्कुल। दोस्तों हमारी अगली रेमेडी है फैटी लिवर की नक्स वोमिका। जिनको एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, यानी शराब का सेवन करने की वजह से फैटी लिवर डेवलप हो जाता है, उन लोगों को नक्स वोमिका बहुत ही लाभ देगी। और उनके उनमें अगर फैटी लिवर डेवलप हुआ है तो उन लोगों को नक्स वोमिका लेना है। अच्छा, नक्स वोमिका का सिम्टम कैसा रहता है? फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, शौकीन होते हैं खाने के, रिच फूड, जंक फूड, फास्ट फूड उनको बहुत अच्छा लगता है। लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि रात को देर से जगना, सुबह सोते रहना और फिर रात को काम करना, इस तरह की लाइफस्टाइल, कुछ नाइट आउल्स जिनको बोला जाता है, इस तरह की लाइफस्टाइल उनकी डेवलप हो जाती है। स्टिमुलेंट जनरली ऐसे लोग क्या है कि अल्कोहल के साथ साथ और तरह के स्टिमुलेंट्स भी लेते हैं, जैसे हाँ कॉफी, चाय, ऐसे स्टिमुलेंट्स की क्रेविंग बहुत ज्यादा रहती है। इनके जो स्टूल्स रहते हैं वो इनएफेक्चुअल अर्जिंग रहती है, यानी शौच करने जाते हैं थोड़ा सा लगता है, उसके बाद ऐसा मन करता है कि थोड़ा और हो जाता तो अच्छा रहता। ऐसे लोगों को नक्स वोमिका 30 की दो बूंदे रात को सोने से पहले सिर्फ एक बार लेनी है और ये कंटिन्यू लेनी है, उनको धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपको प्रॉब्लम में रिलीफ मिलता जा रहा है, और साथ साथ में अल्कोहल का जो इंटेक है वो भी आपको धीरे धीरे करके बंद कर देना है। बिल्कुल। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कार्डस मेरिनस। कार्डस मेरिनस दोस्तों मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। ये मेडिसिन लिवर के लिए बहुत ही रामबाण दवाई है, एक तरह से लिवर के किसी भी प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा काम करती है। कोई भी लीवर टॉनिक जब होती है तो उसमें ये मेडिसिन ज़रूर से रहती है। ये मेडिसिन फैटी लीवर के लिए भी है, जब आपको फैटी लीवर के साथ साथ पेट में फुलनेस महसूस हो और आपको कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल हो, तो आपको ये मेडिसिन लेनी है। और साथ साथ में आपको ये भी रह सकता है कि आपको जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर एरिया में आपको पेन महसूस हो, गॉल ब्लैडर यानी राइट अपर एब्डोमेन आपको पेन महसूस हो सकता है, साथ साथ में सिरोसिस की स्टार्टिंग भी आपको अगर है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इस मेडिसिन की 15 बूंदे दिन में तीन बार आपको थोड़े से हल्के आधा कप ल्यूकवार्म वाटर में 15 बूंदे मिला के लेनी है। और दोस्तों आखिर में हम आपको एक बोनस मेडिसिन जरूर बताएंगे, और हमारी बोनस मेडिसिन है फाइटोलेक्का बेरी मदर टिंचर। फाइटोलेक्का बेरी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो फैट को गला सकती है, फैट एक्यूमुलेशन चाहे वो लिवर में हो या आपके पूरे शरीर में हो, तो फाइटोलेक्का बेरी फैटी लिवर के साथ साथ ओबेसिटी की भी बहुत अच्छी दवाई हो जाती है, बिकॉज ये आपके फैट को गलाकर उसको ठीक कर सकती है, कम कर सकती है। तो आपको ये क्या करना है कि 15 बूंदे दिन में तीन बार लेना है खाने के आधा घंटा पहले, आधा कप नॉर्मल पानी में आप 15 बूंद मिला दीजिए और उनको दीजिए जिनको भी फैटी लिवर है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी प्रॉब्लम को लेकर। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।